बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ आदमी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सज्जाद। तो दोस्तों, हमेशा की तरह व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि यार आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार देते हैं आप लोग, तो आप लोग जो है वीडियो को इतना लाइक करते हैं, तो यार उसके लिए जो है मैं आपका बहुत ज़्यादा दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो दोस्तों चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो भाई आज का कुछ ऐसा सीन है कि यार आपको मैंने दोस्तों दिखाया था कि भाई हम जो है अपने जो है इस स्पैरो कॉलोनी के लिए भाई हम जो है ट्री लेकर आए थे, दरख्त लेकर आए थे। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता चलूँ भाई, ये जो है यार ये मैं दरख्त में लेकर आया था दोस्तों, यहाँ पर जो है स्पैरो कॉलोनी में लगाने के लिए। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा यार बड़ा है, और इस दरवाजे से जो है इसका अंदर जाना भी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये आप देख रहे होंगे यार, ये मैं दरवाज़ा में खोल के दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो इसको जो है अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगा। तो फिर जो है दोस्तों आज हम जो है नया हम दरख्त लेकर आ गए, तो मैंने सोचा यार इसको जो है दोस्तों हम अपने हाथों से जो है आर्टिफिशियल ट्री हम बनाएंगे। तो अगर हम जो इसके अंदर असल वाला अगर दरख्त लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, फिर दोस्तों उसको पानी देना पड़ेगा, और उसके लिए जो धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हम अपनी जो है फिंचज़ को, छोटी वाली स्पैरो को अगर धूप पर दोस्तों हम रखेंगे तो उनके लिए जो है ना गर्मी में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि भाई हम जो इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल हम इसके अंदर जो है प्लांट हम लगाएंगे। तो दोस्तों वो जो है सब कुछ मैं आप जब बनाऊंगा दोस्तों तो आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूं भाई, हम जो ये वाला ट्री में लेकर आ गया हूं, तो आप इसको आप चेक करें यार, ये जो है आसानी के साथ जो है अंदर चला जाएगा। तो ये आप देखें, इसको जो है दोस्तों मुझे काफ़ी जो है मेहनत लगेगी बनाने में, क्योंकि इसको जो है मुझे यहाँ से जो है काटना है, और इनको भी जो है मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। तो लेकिन दोस्तों जब इनको मैं छोटा कर दूंगा तो फिर इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं इसके ऊपर ऐसी क्या चीज़ लगाऊंगा कि ये और ज़्यादा दोस्तों खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों उसके लिए भाई मैं लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि भाई मैं जो ये स्पैरो कॉलोनी बना रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे यार कितनी ज़्यादा धूप भी है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको मैं दिखाता हूं भाई, आप सूरज को आप देखिए यार किस तरीके से जो है गर्मी हो रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है अगर मैं अलग से बनाता, अपने रूम में जाकर बनाता, या किसी ठंडी जगह पर बैठ के बनाता, या एसी के नीचे या पंखे के नीचे किसी भी जगह बैठ के बनाता एक्स वाई जेड, और आपको लाकर दिखा देता, तो दोस्तों आपको जो है वो मज़ा नहीं आता जो आप इसको बनते हुए देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें ना ज़रूरी है कि भाई मुझे ना कलर भी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं ब्राउन कलर में करूँगा दोस्तों लाकर, और वो सब चीज़ें मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ये मतलब है कि भाई अगर मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, इतना गर्मी में खड़ा होकर आपके सामने बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो है मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना वीडियो को लाइक करते हैं, तो दोस्तों मैं भी जो है आपसे इतना ही प्यार करता हूँ जिस तरीके से आप लोग मुझे देते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आपके लिए आपके सामने बनाने का ये मकसद है कि यार आपको भी जो है थोड़े आइडियाज़ मिल जाएँ, और आपसे जो है ना शेयर भी हम जो है ना करना चाहते हैं ये चीज़ें। तो वरना मैंने आपको बताया दोस्तों हम इन चीज़ों को जो है छुप कर भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि यार हम लोग जो है आपसे जो है लाजमी हर चीज़ शेयर करें, और इंशाल्लाह दोस्तों ये हमारी स्पैरो कॉलोनी जो है ना पूरी की पूरी आप जो है बनते हुए देखेंगे, और इसके अंदर जो है फिर हम जो है स्पैरो वगैरह हम ले आएंगे। तो दोस्तों आज की यार आपको जो है मैं एक और खबर देता चलूं दोस्तों, कल आपने देखा था यार बटेर को जो है दोस्तों हमारी मुर्गी ने जो है काफ़ी दोस्तों ज़ख्मी कर दिया था, और उसके जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चोटें आ गई थी। तो मैं जो है दोस्तों उसको रात को अपने साथ ले गया था, तो मैंने सोचा यार इसको जो अपने भाई रूम में ले जाता हूँ, और इसको जो है यार अच्छे तरीके से भाई इसको सेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग होते हैं भाई, उनकी सोच होती है कि यार ये जो है छोटा सा बर्ड्स है, छोटा सा चीज़ है, तो यार इसको जो है क्या फ़ायदा इसके ऊपर इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, उनकी भी जो है केयर हमें अपने बच्चों की तरह और अपनी तरह हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं भाई रात वाली वीडियो, मैं उसको लेकर आया, मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है सेट किया, अच्छे तरीके से उसको खिलाया पिलाया, लेकिन दोस्तों बहुत बुरी खबर यह है कि भाई अभी जब मैं सुबह के टाइम उठा तो दोस्तों हमारा जो है बटेर यार एक्सपायर हो गया था। तो दोस्तों पहले आप रात वाली वीडियो देखें, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूं यार पिंक केज के अंदर, तो मैं आपको दोस्तों बटेर दिखाता हूं। तो दोस्तों ये आ गया यार हमारा जो है ना प्यारा सा बटेर, आप देख रहे होंगे यार ये जो है यार बेचारा जो है बिल्कुल जो है दोस्तों एक्सपायर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम फेंक तो नहीं सकते, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो यार चील कब्बे या बिल्ली वगैरह इसको खाएगी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो
तो दोस्तों अब मैं वापस आ चुका हूँ यार अपने जो है किंग केज में। तो यार बटेर का तो हमें हमेशा ही अफसोस रहेगा क्योंकि दोस्तों मैं आउटिंग पे गया था और ये वहाँ से जो है काफ़ी मेहनत के बाद हमें मिला था, लेकिन बस यार जो नसीब में था दोस्तों, मैंने तो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, बस जो अल्लाह को मंजूर हो। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करता चलूँ भाई, हमारा जो है ये मोटू को मैं आपको मैं दिखाऊँ भाई, हमारा ये जो है बकरी का बच्चा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे भाई हमें हमारे पास जो है ये मोटू माशाल्लाह से कितना यार प्यारा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई पता नहीं जो है किसकी यार इसको जो है नज़र लग गई है। तो आपसे मैं अभी एक चीज़ और शेयर करता चलूँ, दोस्तों आप देख रहे होंगे यार इसको जो है दोस्तों मोशन हो गए, तो मोशन की वजह से जो है ये बेचारा जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों कमज़ोर भी हो गया और ये मुझे ऐसा लग रहा है यार काफ़ी जो है ना सुस्त सा भी हो रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि भाई इसका जो हमें फ़ौरन से इलाज करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने बर्ड्स और पेट्स का जो है वक्ती तौर पे इलाज नहीं करते दोस्तों, तो बाद में जो है हमें इसकी जो है बहुत भारी कीमत हमें झुकानी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि भाई इसका जो हम जल्दी से हम इलाज करते हैं और आप लोगों से ये चीज़ भी हम लाजमी शेयर करेंगे। और बाकी जो है दोस्तों फिर इसके बाद जो है मैं इसके लिए जो है ORS का पानी लेकर आऊँगा, वो इसको फीडर में पिलाऊंगा और दोस्तों फिर जो है मैं इसको जो है ग्रे वाटर दूंगा, जो हम अपने जो है छोटे छोटे से दोस्तों जो हम बच्चों को देते हैं। तो अभी जो है दोस्तों मैं इसको लेके चलता हूँ अलग केज में बंद करते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये चीज़ हमें मेडिकल से लेकर आनी है और इसको जो है देनी है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे यार मैंने इसको जो है केज में भाई बंद कर दिया और गर्मी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यार मैं बिल्कुल जो है पसीने से भर गया हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि भाई मेहनत भी करनी पड़ती है। और मैंने यार ग्लासेस भी इसी वजह से दोस्तों लगाए कि पहले तो यार मेरी आइज़ जो है ना ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैंने लगाए थे, लेकिन गर्मी की वजह से भी हमें लगाने पड़ते हैं कि यार पूरी जो है आइज़ वगैरह बिल्कुल जो है ना पसीने में भर जाती है और काफ़ी जो है मुश्किल होती है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं यार कंडीशन कुछ ऐसी हमारी पेट्स की, हमारा बटेर भी बेचारा मर गया और ये जो है हमारे इस जो है मोटू को भी यार मोशन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर टाइम मिल गया तो हम मंडी के लिए भी निकलेंगे। बाकी उसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई ये सामान हम लेकर आए अपनी जो है इस स्पैरो कॉलोनी का, और उसके लिए जो है दोस्तों हमें जो है ये दरख्त भी जो है बनाना है और इसको जो है काट के और इसके ऊपर जो कलर वगैरह करना है, ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों से मैं लाजमी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में दोस्तों अपनी राय लाजमी देनी है कि भाई आपको पसंद आई है नहीं आई है, और एडवाइस भी आप लोग दिया करें तो यार मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है ना लाजमी रीड करता हूं और मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जो हम अपने बर्ड्स और पेट्स को कुछ खाने के लिए देते हैं, गर्मी यार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो ये बेचारे काफ़ी ज़्यादा भूखे प्यासे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं भाई मेडिकल पे और वहाँ से जो है अपने इस मोटू के लिए यार कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है और उसके अलावा जो हमें जामुन के पत्ते वगैरह लेने, तो वो लेकर हम वापसी आते हैं और फिर इंशाल्लाह दोस्तों हम अपनी जो स्पैरो कॉलोनी का काम स्टार्ट करेंगे। और अगर टाइम रह गया तो दोस्तों आज जो है यार फिर हम लाजमी हम जाएंगे मंडी या मार्केट जाएंगे और वहाँ से जो है हम कुछ स्पैरो आज ख़रीद के लाएंगे, ज़ेब्रा फिंच हो गई, इसके अलावा जो है छोटी वाली दोस्तों डव हो गई, तो वो चीज़ें जो हम आज ख़रीद के हम ले आएंगे। तो वरना दोस्तों कल तो हमने लाजमी जाना है, क्योंकि अगर आज हमारा स्पैरो कॉलोनी का काम फिनिश हो गया तो फिर जो हमने कल लेकर ही आनी है। तो दोस्तों आज मेरा पूरा इरादा था यार जाने का, तो मैं जो है सुबह फर्स्ट टाइम मंडी में लाजमी में जाता, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि एक तो हमारा जो है बटेर मर गया और दूसरा ये कि दोस्तों आपने देखा है कि भाई हमारा जो है ये मोटू भी यार बीमार हो गया, तो इसके लिए भी हमें जो है ना काफ़ी कुछ है ना दवाइयों की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको पता ही है भाई केयर जो है ना सबसे ज़्यादा दोस्तों लाजमी है। तो चलें दोस्तों चलते हैं भाई और फिर उसके बाद वापसी आते हैं, फिर देखते हैं कि भाई हमने क्या करना है। दोस्तों मैं आ गया हूँ भाई सामान लेकर, तो मैंने सोचा यार सबसे पहले तो भाई हमने ये काम करना है कि अपने जो है छोटू को भाई कुछ जो है मेडिसिन वगैरह और कुछ खाने के लिए देना है, क्योंकि सुबह से जो है उसने कुछ भी नहीं खाया और हमने जो उसको अभी जो है बाहर केज में ही बंद किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई हम क्या लेकर आए दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ यार ये हम जो है ना उसके लिए फीडर लेकर आ गए, तो मैंने सोचा भाई इसके अंदर जो है हम उसको जो है ORS का पानी वगैरह देंगे और उसके अलावा दोस्तों अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको जो है हम बकरी का दूध वगैरह भी हम देंगे। हम जो है ये ग्रे वाटर की बोतल भी ले आएँ, तो ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है छोटे बच्चों के लिए। और बाकी जो है उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ भाई हम लेकर आए हैं, तो ये जो है यार ये मैं
जो है ना जामुन के दोस्तों पत्ते लेकर आ गया हूँ। तो मैंने सोचा यार उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो ये पत्ते ऐसे हैं कि भाई ये जो है ना अगर किसी भी जो है ना बकरी को या बकरी के बच्चे को अगर मोशन वगैरह हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों मुफीद होते हैं। और दोस्तों अब जो है मैं बाहर से उसको केज से निकाल के लाऊंगा और उसको हमने यहाँ पर छोड़ना है ताकि यार वो जो है ये पत्ते वगैरह खा ले। और आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, मैं जो है दोस्तों ये कलर भी लेके आ गया हूँ। तो ये मैं इस वजह से लेकर आया हूँ कि मैंने आपको बताया कि भाई हमने जो है इस अपनी जो है स्पैरो कॉलोनी में दोस्तों जो हमने दरख्त वगैरह लगाना है तो उसके ऊपर जो है ये हम ब्राउन कलर करेंगे, क्योंकि जो हम दरख्त लेकर आए हैं उसका कलर जो है बिल्कुल वाइट है। तो ब्राउन कलर से दोस्तों वो जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेहनत इसके अंदर ज़्यादा दोस्तों, लेकिन आपको पता ही है कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी चीज़ अच्छी बनेगी। दोस्तों ये मैंने पानी मैंने बना दिया, अब हम जो है इसको फीडर के जरिए जो है इस बच्चे को पिलाएंगे। पहले जो है दोस्तों ये कुछ खा ले, थोड़े बहुत पत्ते वगैरह खा ले और उसके बाद जो हमने इसको ORS का पानी पिलाना है। चलें दोस्तों अब जो है हम कलर वगैरह करेंगे अपने ट्री के लिए। तो कलर से जो है मुझे काफ़ी कोशिश करनी होगी दोस्तों अपने हाथों को मैं बचाऊं, ताकि जो है मेरे हाथ जो है अगर हमारे किसी पेट्स बर्ड्स या अपने बकरी के बच्चों छोटू मोटू को अगर लग गए तो उनका जो है कलर दोस्तों ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है निशान हो जाएंगे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यार किंग केज में और मैं गया था पेट्रोल लेने के लिए और अपने जो है कपड़े वगैरह भी दोस्तों चेंज करने के लिए। मैंने सोचा यार हमने जो है कलर वगैरह करना है और अपने जो है कपड़े भी भाई चेंज कर लेते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों इसको जो हमने काटना है भाई, और इसको काट के जो है इस हिस्से के हमने बराबर करना है ताकि ये जो हमारे केज में दोस्तों बिल्कुल पूरा आ जाए। और ये मैं फॉर्म में ले आया हूँ कलर करने के लिए, तो पेट्रोल भी जो है हमें कलर के लिए दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई हम इसको जो है काटेंगे। तो दोस्तों हमने जो है यार अपना जो है कलर का काम तो दोस्तों बिल्कुल फिनिश कर दिया। ये आप देखें यार इसको जो मैंने दोस्तों धूप पर रख दिया सूखने के लिए, तो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह दोस्तों ये बिल्कुल सूख जाएगा और फिर जो है इसके अंदर एक न्यू चमक आ जाएगी। तो बाकी दोस्तों फिर हम जो इसको स्पैरो कॉलोनी में फिट करेंगे और उसके लिए जो अभी हमें मजीद काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए अभी जो है मुझे यार दोबारा जो इस गर्मी में बाजार जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों कल तक जो है ये हमारी स्पैरो कॉलोनी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो वैसे तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यार आज जो है हम इसका जो है काम बिल्कुल तमाम कर देंगे और आज जो हम मार्केट जाएंगे बर्ड्स वगैरह भी लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों आज मजबूरी कुछ ऐसी हो गई कि भाई हमारा जो है दोस्तों ये छोटू जो है ना बीमार हो गया था, तो जिसकी वजह से यार मुझे इसकी डाइट की चीज़ें लानी पड़ी। काफ़ी दूर से रह के मुझे जामुन के पत्ते वगैरह मिले और इसके अलावा जो है बाकी मुझे दूसरी मेडिसिन वगैरह लानी पड़ी, तो उसके अंदर दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। तो बाकी जो है दोस्तों हम जो है इंशाल्लाह यार कल जो है इसके अंदर जो है हम कुछ न्यू स्पैरो और कुछ न्यू बर्ड्स हम ले आएंगे और वो इसके अंदर हम रख देंगे और कल जो हमारी स्पैरो कॉलोनी का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरी इस वीडियो को जो है ना लाइक लाजमी कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल शरीफ आदमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके दोस्तों करता हूँ मैं अपनी वीडियो का दी एंड, मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।